लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत। कोविड मैनेजमेंट की आड़ में नई मुंबई मनपा आयुक्त की मनमानी का बड़ा खुलासा सामने आया है। हकीकत यह है कि आयुक्त अभिजीत बांगर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के स्पेशल नोटिफिकेशन ऑर्डर को भी दरकिनार कर यहां अपनी मनमानी चला रहे हैं। दरअसल राज्यपाल ने 12 महीने पहले नए आयुक्त अभिजीत बांगर को प्रशासक नियुक्त करते हुए महापौर, नेता प्रतिपक्ष और लोक प्रतिनिधियों की एक विशेष कमेटी गठन करने का निर्देश दिया था, लेकिन सुपर पावर बांगर ने इसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जाहिर है इस कमेटी के नहीं रहने से न तो कोई कोरोना उपचार इंतजामों के प्रबंधन और नागरी सेवा कार्यों की निगरानी कर रहा है, न ही उसकी खामियों पर सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी ने सत्तारूढ़ सरकार और नेताओं के इशारे पर की जा रही मनमानी और जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ बताते हुए इसे राज्यपाल से शिकायत करने की चेतावनी दी है। देखिए रिपोर्ट। जो सिस्टम चल रहा है वो आपने नहीं है, मुंबई की जनता के प्रति एक अन्याय की भूमिका ले रहे हैं। रोड्स, ब्रिज और भी सारे जो काम है उसके टेंडर आ रही है, टेंडर निकल रहे हैं, टेंडर जा रहे हैं, और कहीं हमारी कमेटी उसके ऊपर सवाल न उठाए करके हमारे कमेटी की वो मीटिंग ही नहीं ले रहे। प्रशासक जो काम कर रहे हैं वो गलत काम है। अगर आने वाले 10 दिन में अगर ये हमारे साथ मीटिंग नहीं करवाते हैं तो मैं सीधा राज्यपाल साहब को मिलूंगा। तस्वीर में दिख रही ये वही नई मुंबई महानगर पालिका है जहां कोरोना का कोहराम मचा है। हर दिन बेड और वेंटिलेटर की कमी से कईयों लोग जान गंवा रहे हैं। सैकड़ों लोग हर दिन इलाज के लिए दर दर भटकने को मजबूर हैं। लेकिन आयुक्त अभिजीत बांगर हैं कि मरीजों को मदद करने वाली कमेटी बनाने को तैयार नहीं है। यकीन नहीं आता तो 28 अप्रैल 2020 को जारी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का यह नोटिफिकेशन ऑर्डर देख लीजिए। इसके मुताबिक अभिजीत बांगर को मरीजों की मदद और कोविड प्रबंधन की निगरानी के लिए एक औपचारिक कमेटी बनाना था। इसमें महापौर, विरोधी पक्ष नेता, स्थायी समिति सभापति और विषय समितियों के सभापतियों को शामिल करना था। कमेटी की बैठक बुलाकर 15 दिनों की कोरोना रिपोर्ट और उसे रोकने के लिए किए जा रहे इंतजामों की जानकारी देनी थी, लेकिन सुपर पावर बनने के चक्कर में आयुक्त ने राज्यपाल के इस आदेश को ही रद्दी की टोकरी में डाल दिया। बीजेपी नेता गणेश नाइक आयुक्त की इस मनमानी को नई मुंबई की जनता के साथ बड़ा अन्याय मान रहे हैं। वहीं जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने कहा कि बांगर गुलाम बनकर सत्तारूढ़ सरकार के इशारे पर ऐसी मनमानी कर रहे हैं, लेकिन अब यह मनमानी नहीं चलेगी। मैंने ये बात बोला है कि इतना अनुभव होने के बावजूद भी अभी जो सिस्टम चल रहा है वो अपडेट नहीं है, मुंबई की जनता के प्रति एक अन्याय की भूमिका ले रहे हैं। आज लोगों को जान जाने से बचाना ये पहला कर्तव्य है। आप जो कमिश्नर है वो आने से पहले हमारे जो कमिश्नर थे उन्होंने औपचारिक कमेटी को गठित किया था। उनके कार्यकाल में हमारा 2 या 3 मीटिंग भी हुआ। प्रशासक को राज्यपाल ने नोटिफिकेशन में ये सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी जो आप आज के जो कमिश्नर है अभिजीत बांगर साहब बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। मेरे ख्याल से सत्तारूढ़ पार्टी उनको एक काम करने देती नहीं, ऐसा लग रहा है। 30 बार सम्मानी हमारे दादा गणेश जी नाइक साहब और हम लोग को कमिश्नर को मिले। हमारे सभागृह नेता इथाबी साहब है, मैं हूँ, महापौर हूँ, हमने बात भी की कि हमारी जो कमेटी गठित है उनके साथ हम हर 15 दिन में बैठना चाहिए। मतलब उसको कोरोना की कुछ पड़ी नहीं है, लोगों की कुछ पड़ी नहीं है, अपनी पड़ी है ऐसा दिख रहा है। ध्यान देने वाली बात है कि अप्रैल 2020 में ही नगर सेवकों का 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले तत्कालीन आयुक्त बी मिसाल ने ऐसी कमेटी बना रखी थी। 3-4 बैठकें भी हुई थी, लेकिन अभिजीत बांगर ने प्रशासक बनने के बाद इस कमेटी को दोबारा अस्तित्व में आने ही नहीं दिया। जाहिर है कमेटी बनती तो सदस्य सवाल पूछते, खामियों पर चिल्लाते, अधिकारियों पर अंकुश लगाते।
आज आयुक्त अकेले सत्ता की गाड़ी हांक रहे हैं। वे जिसे चाहते हैं करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कोविड हॉस्पिटल बनाने की बजाय उड़ान पुल रंगवाते हैं, उपचार सुविधा की बजाय स्वच्छता अभियान पर करोड़ों लुटाते हैं। जनता मुसीबत में है, लेकिन आयुक्त और उनके अधिकारी एसी रूम में बैठकर कागजी इंतजामों का घोड़ा दौड़ा रहे हैं, यानी अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। बीजेपी जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत ने इसे प्रशासक अभिजीत बांगर की बड़ी मनमानी बताया। आरोप लगाया कि आयुक्त नहीं चाहते कि कमेटी बने और अधिकारियों के धांधली भरे कामकाज पर अंकुश लगे। घरत ने चेतावनी दी कि यदि बांगर ने 10 दिनों में कमेटी बहाल नहीं की और सबको बुलाकर बैठक नहीं बुलाई तो वे राज्यपाल से सीधे शिकायत करेंगे। महानगर पालिका के ऊपर अंकुश रखने के लिए एक बहुत सारे कमेटी की जरूरत है, लेकिन वो कमेटी गठित कर नहीं रहे, गठित के लिए कमेटी को बुला नहीं रहे। सत्ताधारी या पार्टी है, या के पालक मंत्री हो या के जो सत्ताधारी लोग है, वो खाली एक ही काम कर रहे हैं, कोरोना के पेशेंट तालु के ऊपर की मलाई खाने का काम कर रहे हैं। रोड्स, ब्रिज और भी सारे जो काम है उसके टेंडर आ रही है, टेंडर निकल रहे हैं, टेंडर जा रहे हैं, और कहीं हमारी कमेटी उसके ऊपर सवाल ना उठाए करके हमारे कमेटी की वो मीटिंग ही नहीं ले रहे। प्रशासक जो काम कर रहे हैं वो गलत काम है, और मैं कल ही इनको एक लेटर लिख रहा हूँ दोबारा कमिश्नर को कि इस कमेटी को गठित किए गए कमेटी को आप मीटिंग करवा दो। अगर आने वाले 10 दिन में अगर ये हमारे साथ मीटिंग नहीं करवाते हैं तो मैं सीधा राज्यपाल साहब को मिलूंगा और उनसे बोलूंगा कि आपने जो नोटिफिकेशन दिया उस नोटिफिकेशन के हिसाब से यहाँ के कमिश्नर नहीं चलते। बताना जरूरी है कि मुंबई में कोरोना का कहर इस कदर उफान पर है कि सारी मेडिकल व्यवस्थाएं चरमरा गई हैं। कमेटी होती तो हिसाब मांगती कि सैकड़ों करोड़ खर्च के बाद कितने कोरोना मरीजों को रेमडेसिविर मिली, कितनों को वेंटिलेटर बेड दिलाए गए। सवाल पूछती कि आखिर कितनी सुविधाएं हैं और कितनी दवाएं उपलब्ध हैं। उम्मीद है जनता के पैसों से पगार ले रहे मनपा के मुखिया अभिजीत बांगर इस पर ईमानदारी से जवाब देने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।